ये हवेली है जिसे मंडावा पुलिस थाना बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत खास है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म की शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस फिल्म की शूटिंग होते हुए खुद मैंने मेरी आंखों से देखी है। तो फिल्म की जब यहाँ पे शूटिंग हुआ करती थी मैं यहाँ पे देखने आया करता था और बहुत दिनों तक यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो देखिए लगभग 2 साल पहले मैंने हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सोनाक्षी सिन्हा की फर्स्ट वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो लाइव शूटिंग लोकेशन उस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाई थी और पिछले महीने अभी 12 मई 2023 को सोनाक्षी सिन्हा की फर्स्ट वेब सीरीज की जो रिलीज हो चुकी है और उस वेब सीरीज का नाम है दहाड़। तो इस फिल्म के अंदर देखिए जो कहानी हमें दिखाई गई है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है। फिल्म के अंदर राजस्थान के एक मंडावा गांव की कहानी दिखाई गई है, मंडावा पुलिस थाने की एक कहानी दिखाई गई है जिसके अंदर अलग अलग जिलों से मतलब लगभग 27 लड़कियां एक ही पैटर्न में गायब होती है और उनकी एक मतलब रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है और इसी केस को सोल्व करती हुई नजर आती है हमें SI अंजलि भाटी। तो इस फिल्म के अंदर दहाड़ वेब सीरीज फिल्म के अंदर जो सोनाक्षी सिन्हा है उन्होंने SI अंजलि भाटी का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो गुलशन देवैया है उन्होंने SHO इंस्पेक्टर देवीलाल सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा कैलाश बर्गी जो रहते हैं फिल्म के अंदर तो सोहम शाह हमें नजर आए थे कैलाश बर्गी के रूप में। तो फिल्म के अंदर जो विलेन जो दिखाया गया है वो हमें दिखाया गया है आनंद स्वर्णकार, एक विलेन रहता है जिसका रोल प्ले किया है विजय वर्मा ने। ठीक है, तो ये किरदार हमें फिल्म के अंदर नजर आए हैं। इस फिल्म के अंदर जो मंडावा पुलिस थाने की जो कहानी दिखाई गई है ना, आज मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं। मंडावा तो मैं नहीं पहुंचा हूं लेकिन उस लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं जिस जगह फिल्म के अंदर मंडावा पुलिस थाना बनाया गया था। ठीक है, तो आज मैं आया हूँ राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के महारकला गाँव के अंदर और महारकला गाँव के अंदर एक फेमस जगह है, मतलब फेमस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी बंटवारा फिल्म से, इसके बाद करण अर्जुन और जोर, इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। सभी वीडियोस मैंने जो भी यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुई है उन सभी वीडियोस वो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दहाड़ वेब सीरीज की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं उस जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मंडावा पुलिस थाना बनाया गया था। ये जो आप मेरे पीछे हवेली जो आप देख पा रहे हैं इसी हवेली को मंडावा पुलिस थाना बनाया गया था। अभी भी बहुत से मतलब अवशेष हैं, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुए हुए, तो इस प्रकार से सीन जो भी यहाँ से दिखाए गए हैं और जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं फिल्म जब यहाँ पे शूटिंग हुआ करती थी तो उन सभी सीन की शूटिंग लोकेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का शेयर करें। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हवेली है जिसे मंडावा पुलिस थाना बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए वहां पे सामने एक बोर्ड लगा हुआ रहता था जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता था मंडावा पुलिस थाना। और देखिए ये जो कलर पेंट वगैरह आप देख पा रहे हैं इसके और ऊपर जो खिड़की वगैरह आप देख पा रहे हैं इस हवेली के, वो सब फिल्म वालों ने यहाँ पे की थी और लगभग मतलब 15 या 20 दिन पहले यहाँ पे आ चुके थे जो फिल्म शूटिंग लोकेशन से रिलेटेड जो क्रू मेंबर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे इसको मतलब कलर पेंट वगैरह किया गया था इसके और बहुत सी डिजाइन वगैरह यहाँ पे की गई थी। पुलिस थाना मंडावा वहाँ पे लिखा हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे वो जो गेट यहाँ पे लगा हुआ, आगे आ जाइएगा, वहाँ पे देखिए वो जो गेट वहाँ पे लगा हुआ वहाँ पे व्यायामशाला बनाई गई थी फिल्म के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इस जगह देखिए
मतलब मिटाया हुआ है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहता था, अपराधियों में डर ऐसे कुछ, जनता में विश्वास है, आमजन में विश्वास है, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता था यहाँ पे, इसे उसे मिटा दिया गया है अभी फिलहाल। ऊपर जो बोर्ड जो लगा हुआ था वहाँ पे, उस बोर्ड को हटा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे पुलिस थाना मंडावा यहाँ पे लगा हुआ था। देखिए जब यहाँ पे फिल्म की जब यहाँ पे शूटिंग हुई थी, उस टाइम में मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे बनाए थे, कुछ मतलब फोटो यहाँ से ली थी, तो ये आप देख सकते हैं फोटो वगैरह। इसके अलावा ये गेट वैसा ही है, जब यहाँ पे जो सोनाक्षी सिन्हा है वो यहाँ इस गेट से आती रहती हैं बहुत बार, बहुत से सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं, बहुत से नाइट के सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप इधर आप देख पाएंगे ना, तो इधर ये कुछ जो दुकान वगैरह है इधर, यहाँ पे ये इधर जो दुकान वगैरह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कलर पेंट वगैरह किया था। ये जो गेट वगैरह आप देख पा रहे हैं, गेट वगैरह उन्होंने यहाँ पे लगाए थे यहाँ पे उस टाइम में। अभी मैं आपको जो सीन जिस प्रकार से यहाँ से दिखाए गए हैं, उन सभी सीन की लोकेशन दिखाता हूँ। बहुत से सीन यहाँ से दिखाए गए हैं, क्योंकि फिल्म जो है पूरी मंडावा पुलिस थाने के ऊपर ही पूरी डिपेंड रहती है। बहुत से सीन यहाँ अंदर से दिखाए गए हैं, लेकिन अंदर के सीन तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि फिलहाल ये जो हवेली है बंद है, और जो मालिक जो है हवेली के ये बाहर रहते हैं, ठीक है। बाहर से जो भी सीन यहाँ से दिखाए गए हैं पुलिस थाना मंडावा के, वो सभी सीन की शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिल्म के अंदर एक सीन को देखिए यहाँ से दिखाया गया है। फिल्म जब स्टार्ट होती है, तो फिल्म के स्टार्टिंग में जब पुलिस थाना मंडावा झुंझुनू को जब दिखाया जाता है, तो इसी हवेली को हमें दिखाया जाता है। जब पुलिस की जो जीप होती है, जब पुलिस थाने के सामने जब वो आके खड़ी होती है, तो वो देखिए यहीं पर आके खड़ी होती है, और इस हवेली को पुलिस थाना मंडावा झुंझुनू बनाया गया था, ठीक है। एक सीन को हमें यहाँ से दिखाया गया है। इसके बाद देखिए सोनाक्षी सिन्हा की जो शूटिंग जो होती थी, वो अधिकतर दिन के सीन की जो शूटिंग है वो अंदर होती थी। सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर जो सीन फिल्माए गए थे बाहर के, वो अधिकतर नाइट के सीन हमें दिखाए गए हैं। दिन के अंदर सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पे इस हवेली के अंदर ही शूटिंग किया करती थी, मतलब थाने के अंदर के सीन ही हमें यहाँ से दिखाए जाते हैं सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर जो फिल्माए गए थे। तो यहाँ पे देखिए पुलिस थाना मंडावा झुंझुनू यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था, और यहीं से जो पुलिस वाले जो हैं वो आया जाया करते हैं, ठीक है। तो एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है। इसके अलावा फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में देखिए यहाँ पे मंडावा व्यायामशाला बनाई गई थी, पुलिस थाना व्यायामशाला ऐसे कुछ करके इस जगह लिखा हुआ रहता है। फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में जब एक लड़की गायब हो जाती है, तो उसका भाई जो है वो इस पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा के जाता है, तो वो पूछने आता है कि उसकी बहन का क्या हुआ है, ऐसे कुछ करके सीन होता है। तो देखिए यहाँ पे वो बैठा रहता है सुबह सुबह, और फिर फिल्म के अंदर जो कैलाश बर्गी जो होता है वो अपनी स्कूटी से आता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे उनसे पहुँचता है। तो देखिए ये जो सामने बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखता है, इस हवेली का नज़ारा दिखता है, ठीक है। इसके अलावा एक सीन यहाँ इस छत के ऊपर से दिखाया जाता है, इस जगह से फिल्म के अंदर जो पुलिस वाले जो होते हैं वो यहाँ से देखते रहते हैं नीचे की तरफ। जब यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर कुछ प्रदर्शन यहाँ पे होता है, तब यहाँ पे ऊपर से वो देखते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो खिड़कियाँ आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली जो खिड़कियाँ, यहाँ पे कुछ सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं जब सोनाक्षी सिन्हा और गुलशन देवैया यहाँ पे रहते हैं। बहुत से सीन जब अंदर के जब यहाँ से शूट किए जाते हैं ना, तो इस खिड़की को भी दिखाया गया है। जब वो अंदर से बाहर की तरफ देखते रहते हैं तब भी इसको दिखाया गया है, और सोनाक्षी सिन्हा जब फोन पर बात करती रहती है तब कुछ सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं। जब शोहम शाह यानी कि फिल्म के अंदर जो कैलाश बर्गी जो होता है वो देखिए यहाँ पे रहता है, और वो उसको मना करता है कि तेरी बहन का कुछ केस नहीं बनता है, ऐसे कुछ करके सीन होता है, तो वो यहाँ से दिखाया जाता है। देखिए ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, ये गेट वही गेट है जिसका सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। देखिए कुछ सीन के अंदर जो अंदर से कैमरा एंगल किया गया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा अंदर हम चलते हैं। फिलहाल तो देखिए ये जो हवेली है ये बंद है, लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा तो हम अंदर का भी नजर आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये कलर पेंट वगैरह जो आप देख पा रहे हैं, ये फिल्म वालों ने ही यहाँ पे किया था। देखिए कुछ सीन
यहाँ अंदर से दिखाए गए हैं, ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, इस गेट को दिखाया गया है, सामने जो बिल्डिंग जिस प्रकार से बनी हुई है उन्हें आप देख सकते हैं, और यहाँ से देखिए ये सीन दिखाए गए हैं मंडावा झुंझुनू के। देखिए ये व्यायामशाला हुआ करती थी, अभी हम अगली लोकेशन के ऊपर चल रहे हैं फिल्म में। इसके बाद यहाँ पे कुछ युवा मंडल के कुछ सदस्य यहाँ पे आते हैं, गाड़ी में बैठ के नारे लगाते हुए यहाँ से आते हैं, इस गली से आते हैं वो, और यहाँ पे इस चौक के अंदर वो नारे लगाते हैं। तो वो जो सीन है वो यहीं से दिखाया गया है, ठीक है। इस सीन के अंदर देखिए आप ये जो बरगद के जो पेड़ आप देख पा रहे हैं इनका नज़ारा दिखता है, और ये देखिए गुंबद आप देख पा रहे हैं, इसे आप मैच कर सकते हैं। इस चौक के अंदर से वो सीन शूट किया गया था, ठीक है, ये जो वाला सीन आप देख पा रहे हैं ना। और इस सीन की जब शूटिंग यहाँ पे हुई थी तब खुद मैंने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे युवा मंडल के कुछ जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पे नारा लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर फिल्म के अंदर जो विधायक जो होता है ना वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे वो नारे वगैरह लगाए जाते हैं, और फिर वो यहाँ ऊपर से देखते हैं, और इसके कुछ देर बाद यहाँ पे फिल्म के अंदर जो विधायक जी जो होते हैं महिपाल सिंह जो होता है वो यहाँ पे आता है। तो इस सीन के अंदर देखिए आप देख पाएंगे ये जो सामने बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग को दिखाया गया है, ठीक है, और इस बिल्डिंग को उन्होंने उस टाइम में रेंट पर लिया था। अगर आप सामने इस बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस अवेलेबल फॉर फिल्म शूटिंग मैरिज पार्टी, ठीक है। तो ये जगह रेंट पर दी जाती है जब यहाँ पे फिल्म की यहाँ पे शूटिंग होती है। यहाँ पे वो एक अपराधी को जब यहाँ से पकड़ के लेके आते हैं तो इस गेट का नज़ारा दिखता है, देखिए ये जो गेट आप देख पा रहे हैं इस गेट का नज़ारा दिखता है। इसके बाद देखिए ये जो घर है इस घर का भी नज़ारा दिखता है। फिल्म जब यहाँ पे शूट जब यहाँ पे होती रहती थी तो हम जब यहाँ पे शूटिंग देखते थे तो यहाँ से देखते थे, देखिए ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं इस छत के ऊपर यहाँ पे बैठे रहते थे बहुत से लोग जो शूटिंग देखा करते थे। कुछ सीन के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इस छत के ऊपर आपको कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देंगे, तो जब हम यहाँ पे शूटिंग देखने आया करते थे तो यहाँ पे बैठा करते थे, इन गुंबदों के अंदर रहा करते थे कुछ लोग। वैसे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिल्म की जो है वो बहुत सी शूटिंग हुई है और बहुत बार इस जगह को फिल्म के अंदर दिखाया गया है, पुलिस थाना मंडावा झुंझुनू को। यहाँ पे वो मतलब कुछ बैरिकेटिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई रहती थी और बहुत सी मतलब पुरानी गाड़ियाँ, धूल लगी हुई गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई रहा करती थी, ठीक है। तो बहुत बार इस जगह को हमें दिखाया गया है, अंदर के सीन तो हम कभी बाद ही आपको दिखा पाएंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का। दोस्तों फिल्म के अंदर कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसके अंदर फिल्म के अंदर जो अल्ताफ जो होता है जिसे पुलिस मतलब जेल के अंदर रखती है, तो कुछ सीन के अंदर एक पुलिस वाला फिल्म के अंदर उस अल्ताफ को यहाँ से लेके आता है और यहाँ इस जेंट्स टॉयलेट के अंदर लेके जाता है, मतलब उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई रहती है। इसके बाद जो सीन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ ये जो दीवार आप देख पा रहे हैं ना ये दीवार फांद कर सोनाक्षी सिन्हा और जो गुलशन देवे जो होते हैं यानी कि फिल्म के अंदर अंजलि भाटी और जो देवीलाल सिंह जो होते हैं SHO वो यहाँ पे उस अल्ताफ को यहाँ से बचा के लेके जाते हैं। और देखिए ये जो यहाँ पे ये नल आप देख पा रहे हैं ना ये वाला, इस नल से उस पुलिस वाले को यहाँ पे बांध कर वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे फिर वो गाड़ी खड़ी रहती है। इस जगह ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी रहती है और उस गाड़ी के अंदर बिठा के वो यहाँ से उसे ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब फिर अगले दिन जब जो सोहम शाह जो होते हैं वो मतलब उस पुलिस वाले से यहाँ पे पूछताछ करते हैं कि किस प्रकार से वो उसे लेके गए, तो फिर वो यहाँ से कुछ सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं, तो इसी दीवार के पास में से वो सीन हमें दिखाए जाते हैं। इसके बाद फिर जो सोहम शाह यानी कि फिल्म के अंदर जो कैलाश बरगी जो होता है वो यहाँ इस रास्ते से आगे की तरफ चला जाता है, सामने ये जो पहाड़ है इस पहाड़ का नज़ारा दिखता है और इसी रास्ते से वो जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वीडियो के अंदर
यहाँ बाहर से जो सीन सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर जो फिल्माए गए थे वो नाइट के अंदर फिल्माए गए थे। दिन के अंदर अधिकतर सोनाक्षी सिन्हा अंदर ही शूटिंग किया करती थी, तो नाइट के अंदर जो सीन यहाँ से दिखाए गए हैं, जब फिल्म के अंदर जो विलेन जब अपनी वैन के अंदर सोनाक्षी सिन्हा को बंद करके यहाँ पे लेके आता है, वो सीन यहीं से दिखाया गया है। यहीं पे कुछ फाइट्स का सीन यहाँ पे रहता है। इसके अलावा जब सोनाक्षी सिन्हा सोहम शाह के साथ में जब इस स्कूटी के ऊपर बैठ के जाती है, यहीं से जाती है, और जब इस थाने से निकल के जब आती है तो भी वो इसी गेट से आती है सोनाक्षी सिन्हा। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दहाड़ वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाई है, जिस फिल्म के अंदर मतलब जिस जगह पुलिस थाना मंडावा झुंझुनू जिस जगह को बनाया गया था वो रियल लोकेशन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई है। अंदर के सीन तो मैं दिखा नहीं पाया हूँ क्योंकि ये जो हवेली है बंद है और इसके जो मालिक है वो भी यहाँ पे नहीं है। अगर कभी परमिशन हमारे को मिलेगी तो अंदर के सीन भी जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को तो हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम दहाड़ वेब सीरीज शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।